एनर्जी इज एवरीथिंग। हेलो और नमस्ते सभी को। हमारे जीवन में एनर्जी ही सभी कुछ है। सुबह उठते, शाम को सोते, रात में, दिन में, ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग करते समय, खाना बनाते समय, हर जगह हर समय हम एनर्जी का उपयोग करते हैं और उपयोग करते हैं पर और एनर्जी के उपयोग से हमारी प्रगति होती है, आर्थिक प्रगति होती है, सामाजिक प्रगति होती है। परंतु एनर्जी के साथ कई सारी समस्या भी जुड़ी हुई है, जैसे एनर्जी के कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनर्जी का इंपोर्ट करते हैं तो दूसरे देशों पर निर्भरता बढ़ती है, कई सारे लोगों को एनर्जी नहीं मिलती है जितनी ज़रूरत है, और ये जो एनर्जी के साधन हम उपयोग कर रहे हैं ये लंबे समय तक हमें मिलेंगे या नहीं। तो एनर्जी की ज़रूरत है परंतु एनर्जी के साथ जुड़ी कई सारी समस्याएं भी है। तो इन समस्याओं, एनर्जी का उपयोग करते हुए और इन समस्याओं को हल करने के लिए कौन सी ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए, हम सब जानते हैं सोलर ऊर्जा का। परंतु हम ये भी जानते हैं कि सोलर ऊर्जा का उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा, उसके कई सारे कारण हैं। सोलर एनर्जी के बारे में कई लोगों के भ्रम हैं जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सीरीज़ में आपको मैं सोलर एनर्जी के जो मिसकंसेप्शन है, भ्रम है, उनको दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये एपिसोड में आपको बताता हूँ, कई सारे लोगों को लगता है कि सोलर एनर्जी का उपयोग करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल या बहुत एरिया लगेगा हमें। तो जब हम ये मानते हैं कि बहुत ज़्यादा लगेगा तो हमें किसी के साथ तुलना करना चाहिए कि किसके कंपैरिजन में ज़्यादा लगेगा। फॉर एग्जांपल, एक कार के लिए तो बहुत ज़्यादा जगह की आवश्यकता नहीं है। एक नॉर्मल एसयूवी हम देखें, बड़ी कार देखें, तो उसका डायमेंशन लगभग 4-4.5 मीटर लंबाई होती है और करीब 2 मीटर चौड़ाई होती है। और इसको स्क्वायर फीट में देखें तो इसका एरिया करीब 100 स्क्वायर फीट के आसपास आता है। तो क्या इस 100 स्क्वायर फीट जो एक कार जगह लेती, उतने जगह में हम हमारी कितनी सोलर एनर्जी की ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं? वेल, बहुत सिंपल है। यदि 100 यूनिट आपकी रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए 1 किलोवाट पैनल लगता है। मेरे दूसरे एपिसोड में मैंने इसके बारे में बताया है कि 1 किलोवाट पैनल का उपयोग किया तो 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी 1 महीने में जनरेट कर सकते हैं। और 200 यूनिट की रिक्वायरमेंट है तो 2 किलोवाट पैनल चाहिए। 300 यूनिट की रिक्वायरमेंट है महीने में तो 3 किलोवाट पैनल चाहिए। तो बहुत ही सिंपल सा थंब रूल है। अच्छा, 1 किलोवाट पैनल को कितना एरिया लगता है? आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1 किलोवाट पैनल के लिए मात्र 70 से 75 स्क्वायर फीट ही लगेगा। और एक एसयूवी को कितनी जगह लगती है? 100 स्क्वायर फीट। इसका मतलब है कि जितनी एरिया में एसयूवी कार होती, जो बड़ी कार होती, उतने ही एरिया में आप लगभग 1.5 किलोवाट सोलर पैनल फिट कर सकते हैं। और 1.5 किलोवाट सोलर पैनल फिट कर सकते हैं तो आप 150 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ जनरेट कर सकते हैं। तो यदि मान लो 150 नहीं 300 यूनिट आपकी आवश्यकता है तो आपको 3 किलोवाट पैनल लगेगा। और 3 किलोवाट पैनल मतलब करीब 200, 225 स्क्वायर फीट एरिया लगेगा। अच्छा, 250 स्क्वायर फीट बहुत बड़ा एरिया नहीं होता, मात्र 20 फीट और 10 फीट यदि हम सामान्य कोई भी घर देखेंगे तो इतना एरिया हर घर के ऊपर होता है। यहाँ तक कि एक झुग्गी झोपड़ी का भी इतना एरिया होता है कि वो आराम से अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। मैंने इसका बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन किया है कि जो लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, जिनका बिल्डिंग ग्राउंड प्लस 2 या 3 स्टोरी है, उस बिल्डिंग का ऊपर भी इतना छत एरिया रहेगा ताकि उस बिल्डिंग की सारी ज़रूरतें पूरी हो जाए। ऑफकोर्स आप बहुत सारे AC यूज़ करते हैं तो शायद नहीं होगा, परंतु लाइट, फैन, TV और जो भी आपके साधन हैं, ये सारे आपके ग्राउंड प्लस 3 स्टोरी बिल्डिंग का उपयोग करके भी, उसकी छत का उपयोग करके भी पूरा किया जा सकता है। न सिर्फ एक घर की बात है, यही कंसेप्ट एक फैक्ट्री को भी लगता है, और यही कंसेप्ट एक शहर पे भी लगता है, और यही कंसेप्ट एक पूरे देश पे भी लगता है। मैंने एक सिंपल सा कैलकुलेशन किया है कि पूरे भारत देश में आज जितनी बिजली की खपत है, उतनी पूरी बिजली यदि हम सोलर से प्रोड्यूस करें तो कितना एरिया लगेगा। यदि आपको पता नहीं हो तो भारत देश का क्षेत्रफल 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और जितनी भारत देश की पूरी बिजली की आवश्यकता यदि हम सोलर से जनरेट करेंगे तो एक 100 किलोमीटर बाय 80 किलोमीटर, मतलब करीब 8000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ही मात्र जरूरत। 8000 की जगह 10000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर ले लेते, मात्र 10000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में
पूरे भारत देश की एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी हम सोलर पीवी के माध्यम से जनरेट कर सकते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा एरिया नहीं हुआ। और देखा जाए तो हमारे जितने रेलवे ट्रैक्स हैं, हमारे जितने पाइपलाइंस हैं, हमारे जितने रोड्स हैं, ये सब का उपयोग भी हम सोलर पैनल लगाने में कर सकते हैं। तो हमारे घरों का उपयोग किया, रोड रेलवे ट्रैक्स और जितने भी खाली जगह उनका उपयोग किया, डेजर्ट में बहुत जगह उनका उपयोग किया, तो हमें बिल्कुल भी किसी भी तरह स्पेस की या जगह की बिल्कुल भी कमी नहीं पड़ेगी और हम हमारी 100% इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी के माध्यम से, सोलर फोटोवोल्टाइक के माध्यम से जनरेट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भ्रम दूर हुआ होगा कि स्पेस बहुत ज़्यादा लगता है, एक्चुअली बहुत कम लगता है। और जो एनर्जी की समस्याओं से देश जूझ रहा है और जो एनर्जी की समस्याओं से पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है, उसको यदि हमें दूर करना है तो हम सभी को ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी का उपयोग करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको उसकी नोटिस मिलते रहें। और यदि ये भ्रम आपका दूर हो, ये पॉइंट जो मैंने स्पेस के बारे में बताया वो आपको अच्छा लगा हो, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। और आप क्या जानना चाहते हैं, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके सारे सोलर एनर्जी के भ्रम दूर हों ताकि आप और मैं और हम सब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सोलर एनर्जी का उपयोग करें और इस वातावरण को, इस देश को और पूरे पृथ्वी को क्लाइमेट चेंज से होने से बचाएं। थैंक यू वेरी मच। अगली बार फिर से एक नया भ्रम दूर करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।